कोई एनर्जी है? फक, फक, फक। क्या आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हो? तो जब हम पहली बार लोथियन सिमेट्री गए तो वहां पे हमारे पास सिर्फ ईएमएफ मीटर था, तो हमने डिसाइड किया था लोथियन सिमेट्री आने का। पर जैसे ही हमने उसके गेट पे ईएमएफ को किया वहां पे एनर्जी निकली। तो ये ईएमएफ मीटर है, इसको ऑन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं कुछ। ओ, 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 ओ। यहाँ पर लाइट एनर्जी दिखा रहा है बहुत, क्योंकि अभी हो रहा है। ये सारी कवरें हैं, मैं कह रहा हूँ ना गेट पे है कुछ भाई, तेरे ऊपर है, इधर नहीं है, इधर ही है, तेरे ऊपर नहीं है। देखा मैं, इधर का शो हो रहा था। मेरे कंधे पे बैठा है क्या? हमें ऐसी कोई एनर्जी फील हुई थी ना हमारे पास में, तो हमारा दोबारा से जाने का मन किया कि इस बार हम जाते हैं, पूछते हैं सवाल कि आप कौन हो, अगर आप सर निकोलस हो या नहीं हो। तो हम दूसरी बार वहां पर गए। वो क्लिप्स करप्ट हो गई यार। से बात ही क्योंकि जब हमारी क्लिप्स ही खराब करानी थी पूरी, मतलब मेहनत खराब कर दी हमारी, जो भी एनर्जी थी वहां पे उससे पूरी बात हुई। लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। अगर हम ऐसे सीधा आके तुम्हें बताते कि ऐसे ऐसे बात हुई थी या कुछ चीज थी जो हमारी जवाब दे रही थी, तो तुम कहोगे यार चूतिया बना रहे हैं यार, हैं ऐसे, तुम्हारी गलती नहीं है, हमें कोई बताता तो हम भी यही सेम बोलते। इसलिए कुछ महीनों बाद हम तीसरी बार गए। तो गाइस ये लोथियन सिमेट्री है, वो उसका गेट है, और ये हम लोग हैं। हम यहाँ पे आए हैं तीसरी बार, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था। ये ईएमएफ मीटर है सबसे पहला डिवाइस जिससे हमने पिछली बार कम्युनिकेट किया था। तो अब सीधा चलते हैं गेट के पास में। रुको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ पहले, एनर्जी यहाँ पर भी आई। ये देखो अभी नहीं है, जीरो है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी एनर्जी नहीं है। पर रिपोर्ट इसमें कोई जैसे हम हमेशा देखो, अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है। और हमेशा जब भी हम उस गेट पे जाते हैं एनर्जी 1-3 पे चली जाती है। आई डोंट नो ये क्यों होता है, बट शायद अगर कोई एनर्जी है तभी ये ऊपर जाता है। तो आओ चेक करते हैं गेट पे। सबसे पहला हमारा जो इक्विपमेंट है वो ईएमएफ मीटर। इस बार पता नहीं क्यों बट ये ऊपर, ये 2 पे जा रहा है, हमेशा ये 3 पे होता था, इस बार सिर्फ 2 पे है। बट हमने पिछली बार इसको यहाँ पे रखा था और चेक किया था सवाल पूछ के, तो ये ऊपर चला गया था। आज फिर से चेक करेंगे, आई होप हमने उसको यहाँ से फ्री ना कर दिया, उस स्पिरिट को या उस एनर्जी को ना किया होगा तो शायद हमें जवाब मिल जाए। तो अब मैं इसको रख रहा हूँ गेट पे। हमने इसको बिल्कुल गेट पे रख दिया, बीचो बीच मुकल, वो लाइट नहीं मेरे पास आधा, ये वो मोशन सेंसर वाली लाइट है, मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ उसके आगे बिल्कुल। मैं कहता हूँ गेट पे गाइस, ये अपने आप ऊपर जा रही है। अभी हमने अंदर हाथ करके चेक किया था। रुको, अभी तुम लोगों के सामने रखा था तो 1 पे था, ये 3 पे है, खुद देख सकते हो। तो अगर कोई मोशन होगा तो वो जल जाएगी। आई डोंट थिंक कि ऐसा जो उसके मोशन को डिटेक्ट कर पाएगी, लाइक लिविंग नहीं, कोई सॉलिड मैटर नहीं है ना। सो लेट्स सी, अगर यहाँ पर कोई एनर्जी है। फक, व्हाट द फक, ओह ओह अगर यहाँ पे कोई एनर्जी है और आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो प्लीज ईएमएफ मीटर को 3 पे ले जाओ या फिर उस लाइट को जला दो अपने मोशन से।
यस यस मैं इसको यस समझूंगा अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो। क्या आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हो? थैंक यू सो मच। अब मेरा आपसे ये सवाल है, थोड़ा पीछे आता, ये पकड़, इसका यूज करते हैं हम। रुक जा। नो मैन, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो भी हो, क्या आप जनरल निकोलस हो? क्या मैं इसको नो समझू? अगर आप जनरल निकोलस नहीं हो तो आप कोई और हो? ये कोई और स्पिरिट होगी, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं ना। बस आई जस्ट डोंट वांट दिस क्लिप टू बी करप्टेड मैन। अपने फोन से रिकॉर्ड कर दो, दूसरे फोन से करप्ट नहीं होनी चाहिए भाई क्लिप। लो इट्स हियर मैन, इट्स कंसिस्टेंट नाउ। मैं ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता, इट्स गेटिंग वेरी स्केरी नाउ। ओके, सो थैंक यू सो मच, हमें बस यही देखना था कि यहाँ पे आप हो या कोई चीज है, जो कि हमें पता चल गया कि आप हो। तो थैंक यू सो मच हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। फोकस गया। अपने में। अब मैं जाना चाहूँगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? दैट्स थैंक यू सो मच। मुझे वो नो क्यों लग रहा आंसर ब्रो, वो मुझे नो क्यों लग रहा आंसर? नो लाइट्स। मेरे ऊपर नहीं है कि मैं गया ही नहीं था जाके, अविनाश ही गया था। मैंने कम्युनिकेट किया था हाँ एनर्जी के साथ में, और मैं चाहता नहीं हूँ कि वो एनर्जी मेरे मैं साथ। भी था आगे, मेरा भी चेक कर ले एक बार, ले कैमरा। तो ये जगह हॉन्टेड है, इसके लिए मैं 101% श्योर हूँ। बट जो यहाँ की स्पिरिट है वो निकोलस नहीं है, इसके लिए भी मैं 100% श्योर हूँ। और वो स्पिरिट अच्छी है, ये तो तुम लोगों को दिखा दिया। तुम मान सकते हो तो मान लेना, नहीं तो इससे ज़्यादा मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता यहाँ पर। तो लोथिन सिमेट्री, दैट्स इट, यही था इसके लिए। आई होप ये वाली वीडियोज रहेंगी और मैं डाल के तुम लोगों को दिखा पाऊंगा। ये Crazy, man. Like, ऐसा कोई गेट पे खड़ा है, हमारी तरफ देख रहा है। Oh my God. देखाइयो क्या कहना चाहेगा। Like, गेट पे कोई ऐसे खड़ा है एंड वो स्टेयर कर रहा है। फिर पॉसिबल कि वो वहाँ पर फंसा हो, बाहर निकलना चाहता हो, बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन वो सबसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है, उससे कोई कम्युनिकेट नहीं करता। हमने उससे कम्युनिकेट किया तो उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया, माइट बी पॉसिबल। कैसा लगा सर, पहली बार ऐसा कुछ देखा? इधर आओ। रियल एक्सपीरियंस था, जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं आपके सामने हुआ। हम इतनी दूर थे फिर भी ये सब चल रहा है, यहाँ पर भी EMF चला है। जो मेरे फोन से क्लिप ली गई थी ना, उसके तो फोकस ही नहीं हो रहा था, वो आपको दिखा देंगे डाल के। आप हो या कोई चीज है, जो कि हमें पता चल गया कि आप हो, तो थैंक यू सो मच हमारे सवालों का जवाब देने। भाई फोकस गया। So, पिछली बार वो फाइल्स करप्ट हो गई थी, बट मेरे को पता था अगर मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा तुम लोग नहीं मानोगे, तो मैं चाहता था तुम लोगों को आके दिखाना, जो कि मैंने दिखाया। EMF मीटर, सिर्फ EMF मीटर छोड़ो, ये मोशन सेंसर है, जब तक इसको मोशन नहीं मिलेगा ये चलेगी नहीं। दैट प्लेस इज स्पूकी, लोथियंस स्पूकी।
क्योंकि जब मैं हॉन्टेड बोल रहा था ये बोला कि हॉन्टेड एक एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है उस जगह को देने के लिए, जो बैड स्पिरिट्स नहीं लगी हमें, कुछ हार्म नहीं किया उन्होंने। हाँ बेसिकली हमें कोई हार्म नहीं किया, हमारे सिर्फ जवाब दिए। टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में वो काउंट होता है, तो मैं कहता हूँ कि यस उसको उस लिस्ट में रहने देना चाहिए, वो जगह है। 2021 की गर्मियों में शुरू की थी, 2022 की गर्मी आ गई है, तुम देख रहे हो इस वीडियो को डालते। हाँ, थोड़ी सी इधर गर्मी आई है, इधर अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी चल रही है। मतलब यार होली आने वाली है यार, 10 दिन में यार नई सीरीज भी तो निकाल रहे हैं, नई सीरीज निकाल रहे हैं। जल्दी से जल्दी मैं एक नई सीरीज निकालने वाला हूँ, हॉन्टेड नाइट्स विद अविनाश, ये नाम रखने वाले ना, मुझे भी इंक्लूड कर। मतलब नाम वी विल डिसाइड, बट एक सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी, तो इस वीडियो पे जितना अच्छा रिस्पांस दोगे मैं उतनी जल्दी मतलब मोटिवेशन मिलेगी उस सीरीज को निकालने के लिए। तो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जिनको ये स्पूकी स्टफ पसंद है, रात को तुम टॉयलेट अकेले जा नहीं पाओगे, बट ये वीडियो देख के मजा आएगा। गाइज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, शेयर कर देना गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में।